हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमिताक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वन सेकेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि इस पैंडेमिक के थ्रू कितना प्लास्टिक पोल्यूशन जनरेट हो रहा है और जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब तक बीमारी ठीक नहीं होती तब तक आप खुद को मजबूत रखिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रखिए अपने आप को, जितना हो सके अंदर घर में रहिए और गवर्नमेंट की हेल्प करिए और खुद की हेल्प करिए, खुद की लाइफ बचाने के लिए और हमारे रिलेटिव की जान बचाने के लिए। काफ़ी लोग अपने आप को खो रहे हैं, अपने लोगों को खो रहे हैं, तो प्लीज़ सिक्योर रखिए खुद को। तो देखिए, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, वापस आते हैं, बात करते हैं कि जितना प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटमेंट के थ्रू हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, जो जनरेट नहीं होना चाहिए, जो हो भी रहा है कहाँ जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कैसे इस ट्रीटमेंट के थ्रू जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम लोग अपने घरों में और हॉस्पिटल में, तो ये वेस्ट कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे ओवर यूज़ में जा रहा है। हम इसके बारे में डिस्कस किया था कि वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे हमारे ओवर एक्सेस यूज़ में बदल के प्लास्टिक पॉल्यूशन को जनरेट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले जो प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है इस ट्रीटमेंट के थ्रू और जो हम कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जनरेट हो रहा है प्लास्टिक पॉल्यूशन वो किस तरह हो रहा है, हमारी ओवर एक्सेस यूज़ की वजह से हो रहा था। हमको कौन कौन से यूज़ हमारे थे, जो बेसिकली नॉर्मली जो हम सब अपने घरों में करते हैं, हमारा मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, एप्रोन हो गया, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर की बोतल्स हो गई, ये जो इतने हैं बेसिकली, ये बेसिक हैं जो नॉर्मली सब लोग अभी करंट में ऑल ओवर वर्ल्ड जो यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हालांकि और भी इक्विपमेंट्स हैं, बट अब जब ये यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या है पे इम्पैक्ट दे रहा है। देखिए, इससे प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे जनरेट हो रहा है, बल्कि इसको तो हेल्प करनी चाहिए हमारी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, बट ऐसा क्यों, आइए इस बारे में बताते हैं। देखिए, जो इनकी लाइफ लाइन है बहुत लंबी है और ये कैसे, ये जो इक्विपमेंट्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो कैसे ये ओवर एक्सेस यूज़ में आए, हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था, आप उन्हें जरूर जाके देखिए तब आपको अपने समझ में आ जाएगा, या आपको लिंक मिल जाएगा बायो में या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ जो हमारी मार्क्स की जो वैल्यू वो लाइफ लाइन होती है 450 होती है, 450 ईयर्स की होती है, एप्रोन की हमारी 450 होती है, यानी कि इतने साल तक ये हमारे एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, हमारे ग्लव्स भी होते हैं अप्रॉक्स 50 to 70, और ये मोर देन जो बॉटल्स हमारी मोर देन 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग्स होती हैं। तो ये हमारी लाइफ लाइन्स हैं जो इतने समय तक ये हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट रहती है। ये मास्क जो हमारा हो गया, जो हम यूज़ करते हैं, हमारा सर्जिकल मास्क हो गया, सिंगल यूज़ मास्क हो गया, वैसे हमारे ग्लव्स भी सिंगल यूज़ मास्क आते हैं, लेटेक्स के आते हैं और पीवीसी के आते हैं, कई तरह के मास्क आते हैं। एप्रोन हो गया 450 है, फेस शील्ड हो गया 450। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक से बने होते हैं, ये हमारे फैब्रिक प्लास्टिक से बना होता है, फैब्रिक और पीपी प्लास्टिक लगी होती है इसमें, हमारा हमारा क्या नाम है पैक प्लास्टिक होती है, तो कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स होती हैं जो इनमें यूज़ करते हैं। तो ये हमारे प्लांट में हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट रहते हैं, तो इनको क्या है, इनका कब जब ये यूज़ कर रहे हैं तो इन्हें रिसाइकल प्रोसेस के लिए होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। आपको पता है सारी चीज़ें इम्बेलेंस है, पैंडेमिक में कैसा हाल है सबको पता है, अभी करंटली जितने भी रिसाइकल प्लांट्स हैं सारे बंद हो चुके हैं, कोई भी इजीली वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि कई सारी जान को खतरा है बीमारी को लेके। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए, जितना जो हॉस्पिटल में प्लास्टिक ये जनरेट हो रहा है वो नॉर्मली सेग्रीगेट होता है, सेग्रीगेट करने के बाद डिस्पैच होता है और अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता है, एक सिंपल प्रोसेस है और वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस से हो रहा है। लेकिन जितना प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है उतना रिसाइकल नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं हो रहा था लेकिन अब जो हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी 101% ऐसा है कि जितना प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है या वो बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल्स के थ्रू, क्या वो रिसाइकल हो रहा है सारा, जी नहीं, वो सेग्रीगेट करके डिस्पैच होकर जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, बट वो रिसाइकल नहीं हो रहा, सारा नहीं हो रहा क्योंकि सब कुछ बंद है, सब कुछ इम्बेलेंस है। ये क्यों नहीं हो रहा, अभी आपको वीडियो के एंड में बताते हैं। देखिए, ये तो था हॉस्पिटल की बात, हमने जो डिस्कस किया कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ इस तरह हो रहा था, अब हम बात करते हैं कि हम जो अपने घर बैठ के कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और कैसे धीरे धीरे में अपने एनवायरनमेंट को खुद अपने हाथों से मार रहे हैं, एक मीठा मीठा जहर दे रहे हैं। और जैसे अभी कोविड के लिए लड़ रहे हैं, ऐसी जब 5-6 साल बाद 10 साल बाद जब इस बीमारी से हम सब नॉर्मल होंगे, इकोनॉमी सब कुछ नॉर्मल होगी, तब 10 साल बाद फिर हम इस प्लास्टिक वेस्ट से जो जनरेट होने वाली बीमारियों से लड़ेंगे और सबसे ज़्यादा हमारे सेक्स हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, सबसे ज़्यादा जितनी प्लास्टिक हैं सबसे ज़्यादा हमारे इंटरनल हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करेगी धीरे धीरे, स्वीट पॉइजन है। आइए बात करते हैं कि कैसे हम जनरेट कर रहे हैं इसको, कहाँ कहाँ डाल रहे हैं। देखिए, जितना प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, जैसे हमारे मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, सिंगल यूज़ मास्क हमारे, है ना, क्योंकि आपको पता है कैसे सिंगल यूज़ करते हैं लोग और नहीं होता तो बिना वजह फेंकते हैं, तो कहाँ सबसे पहले कहाँ दिखता है, सड़कों पे पड़ा रहता है हमारा, गलियों में पड़ा रहता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुँचा रहा है, जो कूड़ा पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, कुछ इस तरह।
क्यों आपने देखा ये हमारा सड़कों पर गलियों में पड़ा हुआ था, जो वेस्ट जैसे हमारे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, अक्सर पड़े रहते हैं, जैसे साफ सफाई भी टाइम पर नहीं हो पा रही, रिसाइकल प्रोसेस नहीं हो पा रहा, तो ये हमारे इन्वायरमेंट का हार्मफुल है जो हम पड़ी रहती है हमारी केयरलेस की वजह से। और ज़्यादा हुआ तो लोग हमारे अगर आसपास कई ऐसी हमारी सोसाइटी है, फिर ऐसी जगह है जो हमारे घर के थोड़ी दूर कचरा फेंकने की जगह होती है और वहाँ चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो क्या हुआ कुछ इस तरह। अभी जो आपने देखा ये क्या था, ये हमारे घर में थोड़े आसपास की जगह होती है वहाँ पर हमारा वेस्ट पड़ा होता है, जब ज़्यादा हमारा एक्सेस पड़ गया तो हमने वहाँ फेंक दिया रैंडमली कि कौन देख रहा है इसको, या फिर कूड़ा उठाने वाला नहीं आया, म्यूनसिपल वेस्ट नहीं आया, तो हमने क्या किया उसे वहाँ फेंक दिया, कुछ इस तरह पड़ा रहता है। जब ये भी नहीं हुआ तो हमने क्या किया तो नाली में चलने लगा, कुछ इस तरह। अभी जो आपने देखा ये क्या था, ये हमारे नालियों में जा रहा था सारा, जो बहता हुआ जा रहा था, और जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। अब जब ज़्यादा लिमिट क्रॉस होगी, हमने गलियों में फेंक लिया, आसपास की चीज़ों में फेंका हुआ है, फिर हमने उसको नालियों में फेंक दिया, फिर क्या हुआ, जब ज़्यादा लिमिट क्रॉस होगी, जब कोई रेड पिकर नहीं आ रहा उसे उठाने, या फिर रिसाइकिल नहीं हो पा रहा, या हम इतनी तेज़ी से जनरेट कर रहे हैं इस वेस्ट को कि रिसाइकिल नहीं हो पा रहा, तो हमने क्या किया कुछ इस तरह। अभी जो आपने देखा ये क्या था, ये हमने इस वेस्ट को जला दिया, जब ज़्यादा अमाउंट में हो गया, हमें लगा कि हमारे आसपास की चीज़ें हैं ये रिसाइकल नहीं हो पाई, तो हमने जला दिया, इससे एयर पोल्यूशन भी क्रिएट किया। आपने देखा कितने काले काले ऐसे गंदे गंदे फ्यूम्स आ रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के हार्मफुल थे। तो देखिए कुछ इस तरह ऐसे हमारे जो वेस्ट हैं ऐसे जनरेट हो रहे हैं हमारे घरों के यहाँ पर, हम जो खुद घर बैठ के कर रहे हैं, या फिर जब भी अनलॉकिंग प्रोसेस में हमने ये सब यूज़ किए थे और हमने कुछ इस तरह फेंके, और जब ये फेंके तो मैंने कुछ इस ऐसे ऐसी एक्टिविटी करी, पहले हमने सड़कों पे फेंके, सड़कों में तो हमारे आसपास की जगह फेंके, जब आसपास की जगह पे फेंके तो हमने नालियों में फेंक दिया, नहीं गया तो उड़कर पहुंच गया, जब उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद हमारा वो जला दिया हमने। तो ऐसे था ये हमारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो हमें रिसाइकल प्रोसेस के लिए जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा है, कुछ इस तरह जो वेस्ट हमारा ये पैकडेमिक के थ्रू कुछ इस तरह हमारा वेस्ट ऐसे जा रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सब चीज़ इम्बैलेंस है, सब कुछ नहीं हो पा रहा टाइम पर। अब देखिए जरा गौर करिए चीज़ को, ये कैसे साइकिल चल रहा है। देखिए हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया, प्रोडक्ट को हमने क्यों किया, अपनी सेफ्टी के थ्रू हमने उसे ज़्यादा यूज़ किया ताकि हमारी सेफ्टी बची रहे, ज़्यादा यूज़ किया तो क्या किया, एक बार यूज़ किया तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट को हमने फेंक दिया, इससे क्या हुआ हमारी ओवर एक्सेस यूज़ हुई, जहाँ हमें वही एक सिमिलर चीज़ दो दिन चल रही थी हमने उसे एक दिन चलाया, ओवर एक्सेस यूज़ बढ़ा, ओवर एक्सेस यूज़ बढ़ा जो वो क्या हुआ वेस्ट में जनरेट, वो वेस्ट चला गया, प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट किया, ठीक है ना। जब प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हुआ, हमें जब ओवर यूज़ बढ़ी तो हमारी ओवर एक्सेस डिमांड भी बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो नया मैन्युफैक्चरिंग हुआ, नया मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हमने उस वेस्ट को फेंक ही दिया, उस वेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी फेंक दिया, प्रोडक्ट रिसाइकल एक हो रहा है, हम वेस्ट जनरेट तीन प्रोडक्ट कर रहे हैं। सपोज हम एक मार्क्स रिसाइकल हो रहा है, उतने ही सेम टाइम में हम तीन मार्क्स प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। फिर क्या किया, जब हमारी ओवर एक्सेस यूज़ बढ़ी तो हमारी डिमांड बढ़ी, जब डिमांड बढ़ी तो हमारे क्रूड ऑयल्स वगैरह यूज़ हो रहे, तो ऐसी चीज़ें इम्बैलेंस होती गई, प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हुआ तो ऐसी ही साइकिल है, पूरा इम्बैलेंस हो गया पूरा स्टार्टिंग से लेके। कैसे हुआ, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, यूज़ हुआ, ठीक है, यूज़ होने के बाद उसे फेंक दिया, ठीक है, ये डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया तो क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, ओवर यूज़ बढ़ा, जब ओवर यूज़ बढ़ा तो क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हुआ, प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हुआ तो सब चीज़ इम्बैलेंस हो गया, तो कुछ इस तरह हमारी हर सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो गई। तो ये था हमारा इस पेंडेमिक के थ्रू कि कहाँ से हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं घर बैठ के, और कैसे हम धीरे धीरे चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और कैसे कैसे चीज़ एक्टिविटी हो रही हैं। देखिए जो सारी एक्टिविटी हैं इस पेंडेमिक के थ्रू हो रही है, और बहुत मुश्किल से शूट किया, आपको पता है बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और किस तरह शूट करके आपको बताया। देखिए मेरा मोटिव ये नहीं है आपको कि आप इन प्रोडक्ट को यूज़ मत करिए, बस मेरा मोटिव यही है कि आप लिमिटेड यूज़ करिए, और हो सके तो घर में रहिए तो हम सबको आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब यूज़ करने की। क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्योंकि इतने आर्टिकल में पढ़ता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि इतने प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो चुका है, इतनी बीमारियाँ जनरेट होने वाली हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको यही मोटिव है, सिर्फ अपने आपको सुरक्षित रखिए बस, और कुछ नहीं है और कुछ नहीं मांगा, और यह सब चीज़ें हैं ये अपने आप ही रिसाइकिल हो जाएंगी, और उनको कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए ये सब, बस आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करिए। और कैसे हम वेस्ट को घर में यूज़ कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाइए, वहाँ आपको इतने आइडिया मिलेंगे आपको कि कैसे हम इस वेस्ट को, मल्टीपल टाइप के वेस्ट को हम कैसे घर में यूज़ कर सकते हैं दोबारा, बिना कोई पैसे खर्च करें घर बैठे बैठे, सब
सबको पता है इन वेस्ट से बहुत कुछ बनता है, लेकिन सब कोई नहीं कर सकता। बट उस वेस्ट से हम घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारे आइडिया आपको मिल जाएंगे। अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ आपको बहुत से आइडिया मिल जाएंगे। तो बस अपने आपको सिक्योर रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपने आपको घर में रखिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।